भगवान मानते हैं उन्हीं भगवान के शपथ लेके कहते हैं कि 100% काम करेंगे एकजुट हो करके। 28 तारीख को हमें करना है पटना को ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना बनाना है तो बनाना है भी मांग रहे हैं, और साथ में सर्वे भी कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा काम है, किनको क्या दिक्कत है। जैसे इनके घर के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पढ़ाई के लिए जरूरी है, तो वैसा ही पटना नगर निगम में जो जितने काम है, तभी जब हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जैसी भी हाइबा चाहे जो भी संसाधन हो, बहुत सारे जमीन पड़ा हुआ है हमारे वार्ड में भी पड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे जगह अभी हम घूम रहे हैं तो पता भी चल रहा है। तो उसको चाहिए कि 500 करोड़ मंगाओ और कच्ची नली गली का जो पैसा है ना उसको बंदर बांट कर दो। हमारे साथ मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा जी हैं जो कि जगह जगह जाकर अपने समस्या को देख रहे हैं। मैं यहाँ आए हैं कचरा के संविधान देख, क्या लग रहा है? क्या लग नहीं रहा है, कचरा को मुक्त करना है, पटना को ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना बनाना है तो बनाना है। तो काम तो हर जगह दिख रहा है और देख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, तो शुरू से मेरा यही काम रहा है, हर जगह जाके देख रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं और साथ में सर्वे भी कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा काम है, किनको क्या दिक्कत है, पटना में किनको क्या दिक्कत है, वो सब देख रहे हैं और काम करेंगे भी। मैम जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिए? देखिए सबसे पहले एक ही काम नहीं है जो एक ही काम करेंगे, हमारे लिए सब काम उतना ही जरूरी है। जैसे इनके घर के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पढ़ाई के लिए जरूरी है, तो वैसा ही पटना नगर निगम में जो जितने काम है चाहे नाले की हो, रोड की हो, पेड़ पौधा की हो, हर काम जरूरी है। तो हर काम पे काम करना है, सिर्फ एक काम को चिन्हित हम नहीं कर सकते हैं, सारे काम जरूरी। यहाँ पे मैम देख रहे हैं खाली कचरा है, तो सबसे पहले कचरा को आप साफ करिए। कचरा साफ होगा तभी जब हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जैसी भी हाइबा चाहे जो भी संसाधन हो, तेल की हो, कमी नहीं होगी, सब संसाधन बढ़ाई जाएगी तो अपने आप कचरा मुक्त हो जाएगा, कचरा रहेगा ही नहीं। तो अभी तो कचरा हटाने की बात करें तो जैसी भी नहीं मिलता है, तेल नहीं मिलता है, सफाई कर्मी कहते हैं कि हमको संसाधन नहीं मिल रहा, हम कैसे सफाई करें। तो बात यही है कि सबसे जड़ है कि भ्रष्टाचार उसको ख़त्म करते हैं तो हमारे जो पटना नगर निगम से जो काम होता है वो ईमानदारी पूर्वक होगा तो पटना क्लीन है, बेहतर है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? वो बनाया जाएगा। देखिए पार्क तो बना हमारे राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी हर पार्क को एकदम सुंदर बना दिए हैं, तो वैसा ही छोटा छोटा जगह बहुत सारा है जो कि नगर निगम का भी जमीन है, हाउसिंग बोर्ड का भी जमीन है, बहुत सारे जमीन पड़ा हुआ है हमारे वार्ड में भी पड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे जगह अभी हम घूम रहे हैं तो पता भी चल रहा है। तो उसमें बनाने की ज़रूरत है, छोटे छोटे बच्चे के लिए, चाहे बड़े बच्चे जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए एक छोटा प्लेस होना चाहिए मोहल्ले में, चाहे जो वार्ड है उसमें होना चाहिए। तो ये सब बात की बात है, वो सब तो होगा ही, लेकिन जो अभी पहले जो हंगामा हो रहा है कि महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, या फिर स्वास्थ्य की बात हो रही है, या फिर शिक्षा की बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों के पहले देखना है, नाले रोड की सफाई पहले देखना है, पेड़ पौधा लगाना ताकि प्रदूषण मुक्त हो, तो ये सब काम पहले होगा, वो सब भी होगा बाद में होगा। आपके टक्कर में कोई है? हम अपने नज़र से देख रहे हैं तो कोई टक्कर में नहीं है, और जनता हमारे साथ है, जनता भी विश्वास दिला रहे हैं कि आप सबसे आगे हैं, तो जीत हमारे निश्चित है। मैम जीतने के बाद प्रत्याशी लोग बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद वो काम नहीं करते। देखिए हम जनता को भगवान मानते हैं और उनसे झूठा वादा कभी नहीं कर सकते हैं, अपने पूरे पटना वासी से कहते हैं कि झूठा वादा मेरा नहीं किया जा सकता, ना कभी किए हैं ना करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे तो उतरेंगे, और पूरे पटना वासी से कहना है कि आप सब एकजुट हो करके 28 तारीख को हमें वोट करें, माला सिन्हा को वोट करें, मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप क्रमांक संख्या 15, 28 तारीख को आप सब वोट करें, और हम विश्वास दिलाते हैं, हम जनता को भगवान मानते हैं, उन्हीं भगवान के शपथ लेके कहते हैं कि 100% काम करेंगे तो करेंगे। सर आप जनता के बीच जाकर के बहुत सारे वादे कर रहे हैं, वादा पूरा कर दीजिएगा? आपको क्या लगता है हम वादा पूरा करते हैं तभी ना लोग जनता हमसे खुश रहता है? कोई एक साल से वादा पूरा करते, जब पार्षद नहीं थे तब भी वो वादा करते थे कि हम ये काम अगले साल करेंगे, तो अपने पैसा से कर देते थे, तो आप कैसे सोच लीजिए हम वादा नहीं पूरा करेंगे? तो सरकार, अरे भैया आप समझदार आदमी हैं, जिसको आइडिया रहेगा उस सरकार से ना करवाना है हमको, घर से करके देना नहीं ना, तो फिर सरकार का काम करता ही लोग नहीं है, खाली कमीशन के पैरा बढ़ाता है, तो कहाँ से जीतेगा और कहाँ से काम करेगा? उसको तो चाहिए कि 500 करोड़ मंगाओ और कच्ची नली गली का जो पैसा है ना उसको बंदर बांट कर दो। गरीब के यहाँ पैसा कहाँ है?
इसको मकान देगा तो उसको पैसा मिलेगा। यहाँ पे सर आप देख रहे हैं खाली कचरा, ये हमने अभी तो देख रहे हैं, ये कचरा पॉइंट है नहीं, एक कचरा पॉइंट बनाया गया, क्रिएट किया गया, पूरे ट्रांसपोर्ट नगर के लोग परेशान हैं। आप खुद सोचिए कि ये ट्रांसपोर्ट नगर है, इंटरनेशनल है, यहाँ से बाहर बाहर से आपको काठमांडू से भी ट्रक आता है, माल लेके आता है, इंटरनेशनल कहा जाता है, आपको पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर माल आता है। ये लोग कचरा का अंबार देखता होगा तो वहाँ जाके बोलता होगा, बोलता होगा ना कि भैया बिहार गए थे, पटना में गए थे, सारा जहाँ माल लेने के रखने के लिए गए थे वहीं पर इतना गंदगी था। तो गरीब तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसको सब के लिए क्या व्यवस्था आप कीजिएगा? देखिए गरीब के लिए हम व्यवस्था क्या करेंगे, व्यवस्था सरकार पहले से कर रखा है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं भैया आप पहले खुद सोचिए कि सरकार इतना आरक्षण दिया है इन लोग को, अगर थोड़ा सा इन लोग को पढ़ा दिया जाए तो लोग सब के सब अफसर बन जाएंगे। मगर चाहता है लोग नहीं, अगर ये अफसर बन जाएंगे तो वोट कौन देंगे, तो जानबूझ के इसको खराब किया जाता है। अभी हम इन लोग से बात किए तो बोला कि हमको देखने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पहला प्रत्याशी है कि आप लोग देखने, हम हमेशा देखने के लिए आते हैं भैया, हम हमेशा देखते हैं, हम गरीब के बीच में ही रहते हैं, हम हिंदू बिहार के टॉप 10 बिल्डर हैं, मगर फिर भी हम गरीब के पास आते हैं, चूँकि हमारी ज़िंदगी ही फुटपाथ से गुजरी है। पहले हम रोड पर चिकन बेचते थे, फिर घर घर में गैस चूल्हा साफ करते थे, फिर वीडियोग्राफी करते थे, फास्ट फूड का दुकान खोले थे, धीरे धीरे करके बड़ा बिल्डर बन गया हिंदुस्तान। ऐसा नहीं कि हमारे फादर बहुत अनपढ़ गंवार थे, क्लास 1 अफसर थे, कॉपरेटिव ज्वाइंट स्टार थे, और मेरे भाई सब प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, हमारा वो पढ़ने का मन नहीं करता था, बिजनेस करते थे, तो पढ़ाई जितना हो सका IAS पास किए, छोड़ दिया, फिर समाज सेवा में अपना काम में लग गए, बिजनेस में लगे, तो बिजनेस में ना कोई टकराएगा हमसे, कोई टकरा के दिखाए। आप लोग को भी काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सब कुछ जिंदगी बदल देंगे, हम विश्वास कीजिए कि सब बच्चा को रोजगार चाहिए, नहीं ना शिक्षा चाहिए ना, आप लोग अपने साथ बैठा करके इसका जिंदगी बाद में बढ़ाता है। याद रखिए 3 बार अंगूरी से कलाओ, 5 5 5 15 बार 15 नंबर पर दबा दिया, 15 नंबर पर ईवीएम मशीन जो होता है ना जिसमें बटन दबाते हैं उसमें नीचे आइएगा 15 जीतेगा, जरूर जीतेगा, हाँ इतना जब उम्मीद लगाई ले सब जनता लोग तो जीतबे करेगा, वो काहे नहीं जीतेगा, भगवान वाला दुआ करेगा उसका संगत जीतेगा, वो कचरा उचरा सब हट जाएगा, हट जाएगा, आपका मर्जी हटाइए या नहीं हटाइए, लेकिन हमको तो पानी पेट पानी यही से ना चलता है जी, आप अगला का भरोसा थोड़ी ना कर रहा, हम रोजगार यही है हम सबको डेली है, खाए या नहीं खाए बात बराबर है, एक दिन नहीं खाएंगे तो पेट धर के सोता रहेगा, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं पहले आपको देखने के लिए कोई आया कि नहीं? नहीं कोई नहीं आया, पहला प्रत्याशी माला सिंह है जी, कोई नहीं आया, माला सिंह आया, माला देवी जो है वो अभी आया है। क्या लग रहा है आपको, जिता रहे माला सिंह? जिताएंगे, कौची पर है वोट देवे के कान कौची नाम नहीं पड़ल, पढ़ल ना हूं ना, पढ़ू ना बड़ा देख देख कौची पर है तब वोट देवे जाए, वो ये टेबल है देवन ना तो ना देवन जीतेबू ना, फर्स्ट है भी अभी फर्स्ट आदमी है हाँ। कि आपको देखने के लिए आए हैं, इतना प्रत्याशी है खड़ा लेकिन आपको देखने के लिए कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसी को जीतानी है तो जीता दीजिएगा, दम दावा था। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी, पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700, धन्यवाद।